एक दिवसीय जम्मू के दौरे पर आने वाले हैं। 7 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया है। जम्मू के दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा और वरिष्ठ पदाधिकारियों कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ वो बैठक करेंगे। जेपी नड्डा आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। तो 7 जनवरी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ, संगठन के पदाधिकारियों के साथ, कोर ग्रुप के मेंबर्स के साथ, कई वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक का दौर चलेगा, मंथन का दौर चलेगा। और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा का जम्मू का यह दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो 7 जनवरी को जेपी नड्डा जम्मू के एक दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। गौरतलब है कि इससे पहले आरएसएस की कई अहम बैठकें हुई हैं, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाई गई है और अब किस तरह से उस रणनीति पर आगे काम करना है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाना है, किस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता के बीच भुनाना है और अपनी पकड़ को किस तरह जम्मू रीजन में मजबूत करना है, इस पर मंथन किया जाएगा। परिसीमन के बाद कई तरह से बदलाव देखने को मिले हैं। राजौरी अनंतनाग की सीट यहां पर बीजेपी के लिए एक चुनौती साबित हो सकती है और इसी के मद्देनजर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। 7 जनवरी को जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर आएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगामी चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 7 जनवरी को आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने सभी डेटा तैयार कर लिए हैं और उम्मीद है कि इस साल हम जम्मू कश्मीर में लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव देखेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि समीक्षा बैठक के अलावा जेपी नड्डा जम्मू में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कविंदर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो जम्मू आने वाले हैं, क्या कुछ उनका प्रोग्राम है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि हम एक राजनीतिक पार्टी हैं और आने वाला जो समय है इलेक्शन का समय है। मुझे विश्वास है कि आने वाले इस वर्ष में, चाहे वो पंचायत के हों, लोकल बॉडीज के हों, विधानसभा के हों, लोकसभा के, सभी इलेक्शन जम्मू कश्मीर में ड्यू है। तो हमारी पार्टी ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। बूथ तक हम काम कर रहे हैं, पूरा डाटा हमने तैयार किया है, कार्यकर्ताओं को डिफरेंट हमने काम दे दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने में जब भी नोटिफिकेशन होती है तो भारतीय जनता पार्टी सभी इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर जानकारी भी लेंगे, चर्चा भी करेंगे और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आते हैं तो हमारे कार्यकर्ता का मोराल बूस्ट होता है, ये तो स्वाभाविक बात है। इसमें कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है, दूसरी बैठकें भी हो सकती है। इसके साथ साथ ही कल भी जम्मू कश्मीर पे होम मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली है और आज भी हम कई मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जैसे आपने कहा कि कई इलेक्शंस हैं, लामबंद हैं, वो सब इलेक्शन इस साल में हमें देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन ऑफिस जब भी नोटिफिकेशन कोई जारी करता है तो हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं, तो हमारी ऑलरेडी वर्किंग उस पर चल रही है। तो जहाँ तक केंद्र में जो कल मीटिंग हुई माननीय गृह मंत्री जी की, रूटीन में सिक्योरिटी सिनेरियो जो है वो देखते हैं और पिछले दिनों जो कुछ घटनाएं होंगी उसके बारे में जानकारी और रणनीति जो रहती है उसके बारे में चर्चा तो हुई होगी। तो जो अहम मीटिंग जो है वो 7 तारीख को होने वाली है, जब नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी के जेपी नड्डा जम्मू में होंगे और उसके बाद कई ऐसी कोर ग्रुप की मीटिंग्स भी हैं, ये कहना है फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का। कैमरामैन नवेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज 18 जम्मू।